Hello everyone, how are you all? I hope you are learning the tenses from the previous videos. जो भी previous videos करवाए गए हैं tenses के, उससे आप tenses सीख रहे हैं. अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं कि जहाँ से academic point of view से, of course this also help you in writing and speaking also, but अगर मैं वैसे बोलूँ तो academics के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक स्टेज आ जाती है ये सारे अफर्मेटिव फॉर्मेशन सीखने के बाद में, दैट वी कैन फिल अप करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब गिवन टू फिल द ब्लैंक्स. तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, जैसे मैं जैसे जैसे टेंसेस करवा रहा था थोड़ा थोड़ा मैं बताता जा रहा था उसके अंदर, बट एग्जामिनेशन में ऑल टुगेदर सभी मिक्स आते हैं, तो उसमें से कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ये तो एक फर्स्ट लेवल का मैं बता रहा हूँ आज. उसके बाद में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी आ जाते हैं, कुछ मैंने डाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और आते भी रहते हैं, बाकी अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशन और सीखना पड़ेगा. सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये आज क्लास रखी है कि मैं आपको लाइव फिल करके बताऊं कि ब्लैंक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे भरना है. लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाला है हाउ टू फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स. वर्ब्स आर गिवन इन द ब्रैकेट, सारे वर्ब्स आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा. तो कुछ बच्चों को स्पेशली जो 8th 9th में हैं, कई बार उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं वर्ब, उसको इस ब्लैंक में करेक्ट फॉर्म में लाना है, तो वो कुछ भी भर देते हैं थिंकिंग दैट कि टीचर उसको मार्क्स दे देगा. ही विल नेवर गिव यू मार्क्स. और जहाँ तक जो लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हैं, उनके लिए 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पे, तो वो 4 ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन तभी ढूंढ पाओगे जब आपको पता है कि इस वर्ब का जो फॉर्मेशन है वो ये सूट करेगा यहाँ पे. सो दोनों ही केसेस में बातें एक ही है, 4 ऑप्शन में से एक ढूंढना या जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको सही फॉर्म में ब्लैंक्स में भरना. सो लेट्स सी हाउ इट इज टू बी फिल्ड अप. तो पहला मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, सी ऑलवेज कम हियर. नाउ यू हैव टू सी हियर, दिस इज व्हाट आई टोल्ड. ये बहुत ही फर्स्ट लेवल का है. ऑलवेज इट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट सिंपल, इसका मतलब ये सी सब्जेक्ट है और प्रेजेंट सिंपल के नियम से ये वर्ब को भरना है. सो इट विल कम कम्स. अगर आप में इसमें से एस वाला नहीं चुना, इज कमिंग वाला चुन लिया या वो भर दिया, तो वो सब बेकार हो जाएगा. आपको कम्स ही भरना पड़ेगा, या जो वहाँ पे सिलेक्शन होगा आउट ऑफ 4 दैट यू हैव टू पिक द राइट वन, दैट विल बी कम्स. तो ये ऐसा हो गया. नाउ सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें तो मैंने लिख के रखा है रिसेंटली. रिसेंटली रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का नियम आपको पता होना चाहिए. एंड व्हाट इज दैट प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंगली वी हैव टू सेलेक्ट, उसके हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है. तो ही के लिए क्या हो जाएगा, हैज. जैसा आप लोगों ने अगर देखा है वीडियो सीखा है तो आपको पता होगा ही के साथ हैज आ गया. एंड बाई का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग जाएगा. बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट. और इसकी हिंदी अगर जब आप निकालना सीख लेते हो, इसका मतलब आपको लिखना भी आ रहा है और बोलना भी आ रहा है, यही होता है इसका मतलब. सो ही हैज रिसेंटली बॉट ए न्यू कार, अभी हाल में ही उसने एक नया कार खरीदा है या खरीद चुका है. नाउ थर्ड सेंटेंस, ही गो जोधपुर यस्टरडे. जो भी ब्रैकेट में रहता है वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, बेस फॉर्म. अब यस्टरडे अगर आपने देख लिया है, यस्टरडे का मतलब पास्ट की घटना, पास्ट की घटना का मतलब आपको पास्ट सिंपल का प्रयोग करना, यू हैव टू यूज पास्ट सिंपल. एंड इन पास्ट सिंपल वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भरना, जैसा कि मैंने टेंसेस पढ़ाते वक्त आपको बताया था. तो आपको बताइए गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट. इसका मतलब वर्ब की फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, और वही मैंने शुरुआत ही की थी कि वर्ब की फॉर्म जानना बहुत जरूरी है. अनलेस एंड अंटिल यू नो द वर्ब्स फॉर्म, यू हैव गुड पावर ऑफ वोकैबुलरी, यू कैनॉट स्पीक राइट और अंडरस्टैंड. सो यू प्लीज़ कीप ऑन डेवलपिंग, आप ये सब डेवलप करते रहे. अब यहाँ पर बी की फॉर्म भरना है. बी की फॉर्म मैंने बहुत सारे लिए हैं आज आपको, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए. द सन बी वेरी हॉट, कोई भी एडवर्ब नहीं दिया हुआ है. कोई भी एडवर्ब नहीं देने के बाद भी हम ये तो जानते हैं कि सूर्य विद्यमान ही है और गर्म भी है, इसका मतलब जो घटना है वो वैसे भी यूनिवर्सल ट्रुथ का है और प्रेजेंट की घटना है. और जब बी की फॉर्म प्रेजेंट के लिए हमें यूज़ करना होता है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या बनता है, इज आर एम. तो यहाँ पे सन के लिए क्या सूट होगा, इज. और आप पढ़ के भी देख सकते हो. तो मैंने कहा बहुत ही छोटे लेवल का भी समझा रहा हूँ, द सन इज वेरी हॉट. उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, बी फॉर्म ही लिया मैंने.
सी ब्लैंक दे दिया, बी इन दिस क्लास फॉर 2 ईयर्स। अब ये फोर या सिंस का जो प्रयोग होता है, वो जैसे ही फोर या सिंस दिखाई देता है, जिन लोगों को थोड़ी जानकारी है, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, ऐसा सोच लेते हैं। बिल्कुल सही है वैसे तो, लेकिन बी की फॉर्म में वो फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है, दैट वी हैव टू एडजस्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट। बी को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, अगर हम लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भरना चाहूँ तो कुछ आंसर ऐसा आएगा, हैज़ बीन बीइंग, ऐसा कुछ आंसर मैं भर के आ जाऊँगा या ऐसा सिलेक्शन कर लूँगा, दैट विल बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि हैज़ बीन मैं हेल्पिंग वर्ब ले लूँगा और बी के आईएनजी फॉर्म कर दूंगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम से जाता हूँ, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। बी अवेयर ऑफ दिस बिकॉज दिस इज सो इंपॉर्टेंट, इट कीप्स ऑन कमिंग इन एग्जामिनेशन, सो प्लीज चेक दिस। अब यहाँ पे बी की फॉर्म भरना है, हमें बी की फॉर्म भरना है, लेकिन यहाँ फोर दिया हुआ है, यहाँ बी की फॉर्म में कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ था या कोई टाइम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, इस बी की फॉर्म जो कि फोर से या सिंस से जुड़ा हो, तो हमें जनरली प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट से कोई रिलेटेड होगा या फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे में जा सकता है, बट अभी ये पास्ट से कोई कनेक्टेड है नहीं, फ्यूचर से कोई कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए ये प्रेजेंट में ही जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से भरेंगे। कैसे भरेंगे, जस्ट वॉच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी के लिए हेल्पिंग वर्ब तो हेज आना ही है। बी को थर्ड फॉर्म भरेंगे, ओरिजिनल, ओरिजिनल बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो ये मैंने जब टेंसेज अलग अलग करवाए थे तब भी आपको बताया था, ये एच बी हो गया मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये बी की थ्री, ऐसे याद रख सकते हो। तो कंसेप्ट है, कुछ रट के जाने की जरूरत नहीं है या रटने की कोई जरूरत नहीं है अंग्रेजी में, अगर कुछ रटना ही है देन यू हैव टू क्रैम योर वर्ब्स, यू हैव टू क्रैम योर वोकेबलरी, दैट्स इट, अदर स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल कंसेप्ट, एंड विद द कंसेप्ट यू कैन रिमेंबर, इफ यू वॉन्ट टू क्रैम इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, सी स्टडी इन दिस क्लास फॉर 2 ईयर, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही ले लिया मैंने सेंटेंस, लेकिन आपको समझाने के लिए कि जब बी की फॉर्म आती है तब क्या भरना होता है, और बी की फॉर्म की बजाय मेन वर्ब है स्टडी। अब यहां पर फोर है, बिल्कुल ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा और इसी फॉर्मूले से भरेंगे, हैज बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बी को आईएनजी नहीं भर सकते थे इसीलिए वो यूजफुल नहीं था, लेकिन अब वही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा, सो इट विल बी सी हैज बीन स्टडिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा ये आता ही रहता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट आई टेक यस्टरडे, एक यस्टरडे मैंने ऊपर दिखा दिया था आपको, यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म वेंट ले लिया था। अब बी की सेकंड फॉर्म जनरली बीन होती है, वैसे वैसे होती है बीन, लेकिन यहाँ पे बीन हम नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बीन भरते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जैसा मैंने बी की फॉर्मेशन में आपको सिखाया था कि प्रेजेंट में बी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इज़ आर एम हो जाता है, और जब बी को पास्ट में इसको लेके जाएंगे, इज आर एम को पास्ट में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वॉज वर, या बी का जो बीन को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बीन को अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पास्ट में तो ये बन जाता है वॉज वर, चाहे जैसे भी मान लो इज आर एम से वॉज वर या बीन को ऐसे ट्रांसफॉर्म करें तो यहाँ पे वॉज वर में से अब चुनना है अपने को, तब जाके लिटरल मीनिंग निकलेगा सेंटेंस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉज, और हिंदी अर्थ भी निकाल सकते हैं कि वह कल बीमार था अर्थ आ जाता है, यहां पे हे अर्थ आ रहा था। अब आगे चलते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे बिफोर का लिया है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि बिफोर से पहले क्या है, बिफोर के बाद में क्या, बिफोर से पहले कौन सा एक्शन लिखते हैं, बिफोर के बाद कौन सा एक्शन लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर आपको याद हो तो जो एक्शन पहले होता है उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है, तो यहां पर ये एक्शन पहले हुआ है, क्यों, द टीचर स्टार्ट टीचिंग बिफोर आई एंटर द क्लास, इसका कहने का मतलब है कि वो क्लास में प्रवेश किया उससे पहले अध्यापक ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट जाएगा, तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड स्टार्टेड हो जाएगा, और वहाँ पर ऑलरेडी ये था ही सेकेंड फॉर्म, सो दिस इज वॉट वी हैव टू सी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो, हाउ द कॉम्बिनेशन इज गिवन, एंड इफ यू कैन लोकेट द कॉम्बिनेशन एंड इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर यू कैन वेरी वेल फिल अप, देर इज नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली, बट यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो देन इट इज रियली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सो कीप प्रैक्टिसिंग, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में चलते हैं,
यहाँ पे मैंने लिखा ही वेंट स्कूल आफ्टर ही हैव हिज मील्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन प्लस ये जो ब्लैंक मैंने बनाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब हैव दे दिया, हैव देते बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे भरा जाए। नियम से अगर आप चलोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाउ इट इज, यहाँ सेकंड फॉर्म आपको मिल गया, यहाँ आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म है। अब इसको मुझे पास्ट परफेक्ट में भरना है, पहली बात ये समझना है। पास्ट परफेक्ट में भरने के लिए मुझे क्या चाहिए? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए तो हेड तो आना ही आना है। कई लोग सिर्फ हेड ही भर के आ जाते हैं। हेड तो ये किसकी तरह आ गया? हेल्पिंग वर्ब की तरह आ गया। अब मुझे हैव का थर्ड फॉर्म लेना है। हाउ टू टेक एंड हाउ टू फिल अप हैव, तो वही है, हैव का थर्ड फॉर्म भी हेड ही होगा। कैसे होता है मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैव हैज दोनों ही, इसका सेकंड फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म भी क्या है? हेड है। तो उस हिसाब से यहाँ पे दो बार हेड आएगा। एक हेड तो आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह आया और ये हेड जो है वर्ब थ्री की तरह आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा कैसे भरा गया। एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ सेकंड फॉर्म था, सेकंड फॉर्म आफ्टर, इसका मतलब वहाँ पे जो क्रिया है वो पहले हुई है, एक्शन नंबर वन, दैट इज टू बी फिल्ड अप इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भरना है तो यहाँ पर हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरना है। बस बात इतनी सी याद रखनी है, हेड आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह और हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी हेड होता है, इसलिए हेड हेड आएगा। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये गलत छप गया, दो बार हेड हेड, नो दैट इज नॉट द राइट वे। राइट वे इज दैट ओनली कि वो सही है, वो गलत आप बोल रहे हो कि हेड हेड दो बार छप गया है, दैट इज नॉट करेक्ट। हेड हेड दो बार आना ही आना है ऐसे केस में। उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिया है दीज डेज। दीज डेज रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम याद होना चाहिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम क्या है? इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। दे है, दे के लिए क्या आ जाएगा? आर। एंड बिल्ड, बिल्ड के साथ में आपको आईएनजी लगाना है। सो दे बिल्डिंग ए ब्रिज दीज डेज, ये हो गया। इसके बाद में आपका यहाँ पे दिया हुआ है ही राइट ए नोवल दोज डेज, थोड़ा सा फर्क दिख रहा है ना, दीज एंड दोज। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है लेकिन अब ये दोज डेज जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का है, तो पास्ट कंटिन्यूस के हिसाब से जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस आई एन जी, ही के लिए वॉज आ जाएगा। एंड राइटिंग, और राइटिंग की स्पेलिंग में एक ही टी आती है, ये ई हट जाता है, उसके बाद आई एन जी लगती है। मैंने बहुत जनरली देखा लोग डबल टी आई एन जी लिखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो इस पर भी थोड़ा मैंने बता दिया आपको, चेक करना, डबल टी नहीं लिखना, डबल टी थर्ड फॉर्म के लिए आता है रिटर्न के लिए। सो ही वॉज राइटिंग ए नॉवल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हियर, एट दिस टाइम, दिस आल्सो रिफ्लेक्ट्स और रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाउ यू नो, तो वी के साथ में आ जाएगा आर। एंड क्लीनिंग, हम सफाई कर रहे हैं कमरे का इस वक्त। इस प्रकार से ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरा जाता है। मैंने अभी फर्स्ट लेवल कह सकते हो, बहुत ही प्राइमरी लेवल टाइप करवाया। ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट कम्स इन एग्जामिनेशन आल्सो, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल। सो इन द नेक्स्ट क्लासेज और इन द फ्यूचर आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू मेनी मेनी थिंग्स अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ऑल द कॉम्बिनेशन एवरीथिंग। तो आप लोग देखते रहिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। I hope you all are enjoying. In fact, you must enjoy. So watch your videos and subscribe also. Share also now. Tell others also to share. And likewise, you spread the message that while sitting at the home itself, you can learn. इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम face to face class में ही सीखें, आप अभी भी सीख सकते हो। You have good opportunity to learn. Please keep learning. Thank you very much. See you again. Bye bye.